हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्नवे दे तीमन। केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक और विज्ञापन जारी हुआ है शिक्षक भर्ती का, जहां पर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की पोस्ट है। वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी से है। कोई एग्जाम नहीं होगा यहां पर, ना ही कोई एप्लीकेशन फीस आपकी लगने वाली है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोगों को दिए गए एड्रेस पर समय पर पहुंचना है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी 18 सितंबर, तो समय से पहले एप्लीकेशन कर देंगे आप। यहां पर सब्जेक्ट जो है वो आपको सभी नजर आएंगे और सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो कैसे जो है फॉर्म भरना है आप लोगों को, पोस्ट जो है यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट की है, तो डिटेल में एडवर्टीजमेंट में देखने वाले हैं। तो ये इसकी मेन वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी की, और यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन में व्यू ऑल पर आप लोगों को क्लिक करना है। सबसे ऊपर आपको नजर आएगा केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू 2023-24। अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही वैकेंसी आ रही है केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से और सभी जगह से आएंगी, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि अभी परमानेंट वैकेंसी जैसे ही आती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है इंटरव्यू के टाइम पर यहाँ केंद्रीय विद्यालय में जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर हैं उन्हीं को मिलता है। तो चलिए कंप्लीट एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। तो एडवर्टीजमेंट में सबसे ऊपर ही एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसे आप लोग फिल करेंगे और दिए गए एड्रेस पर आप लोगों को भेज देना है। तो चलिए फटाफट से सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। ये शॉर्ट नोटिस है, हम कंप्लीट जो है एडवर्टीजमेंट देखेंगे। यहाँ पर दिनांक और समय जो है वो आप 18 सितंबर 2023 9 बजे से पहले आप लोगों को एप्लीकेशन कर देनी है। अभी जो है केवीएस पीजीटी की, पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन कहा है इन्होंने कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस को छोड़कर, तो यहां पर बीएड जो है वो मांगा गया है मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में। हिंदी इंग्लिश जो है वो आपका पढ़ाने का रहेगा, दोनों ही तरीके से आप लोग जो है यहां पर पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट यहाँ पर जो टीजीटी की पोस्ट है, तो बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ में और बीएड साथ में सीटेट पेपर 2 कंपलसरी है। यहाँ पर इंग्लिश की वैकेंसी है, एसएसटी की, संस्कृत की, मैथ्स की वैकेंसी है। एसएसटी के लिए कहा है कि एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से दो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हो, कंपलसरी है ये, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो है होना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो है प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर 12th मांगा गया है और 50% अंकों के साथ में और 2 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। डीएड, बीटीसी, एसटीसी यदि आप लोगों ने किया है, या आपने बीएलएड भी अगर आपने किया है, 4 ईयर का जो आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है और सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स के साथ में, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि बीएड जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, तो उसके बाद जो है यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं किए गए, बट यहाँ पर इन्होंने जो है दे दिया है, तो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं केवीएस प्राइमरी टीचर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 जो है, सीटेट पेपर 1 जो है वो बिल्कुल मांगा गया है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो है यहाँ पर कहा है कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा वाले यहाँ एलिजिबल रहेंगे। स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है, बैचलर डिग्री चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, टीजीटी आर्ट एजुकेशन में, 5 साल का जो है डिप्लोमा आपका ड्राइंग या पेंटिंग में होना चाहिए। फिर नर्स की आप देख सकते हैं डिप्लोमा यहां पर मांगा गया है, बीएससी अगर नर्स में अगर आपने कर रखी है बीएससी, तो आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। काउंसलर के लिए यहां पर बीए या बीएससी साइकोलॉजी में साथ में आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग में होना जरूरी है। यहाँ लिखा है आयु सीमा 18 से 65 है, हिंदी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की योग्यता रहेगी, कंप्यूटर का कार्य साधन ज्ञान वांछनीय है, यानी कंप्यूटर की नॉलेज अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। साक्षात्कार के लिए यात्रा भत्ता जो है विद्यालय दे नहीं होगा, यानी स्कूल की तरफ से आप लोगों को यहाँ पर यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। कहा है कि आवेदन पत्र को पूरा भर लें, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है एडवर्टीजमेंट में, सबसे ऊपर ही जो है आपको नजर आएगा, इसे आप डाउनलोड करके और भर लेंगे, और सभी स्व प्रमाणित प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार के पूर्व, यानी कि जो दिया गया टाइम है उससे थोड़ा सा पहले ही आप लोग विद्यालय में जो है जमा करवा देंगे। साक्षात्कार के समय सभी उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, जब इंटरव्यू होगा तब आप लोगों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाने हैं। तो ये कंप्लीट एडवर्टीजमेंट जो मैंने आप लोगों को बता दी है, लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ताकि और भी अच्छी तरीके से आप लोग डिटेल में इसे पढ़ सकें, उसके बाद आवेदन आपको करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी देहरादून, ठीक है, यहां से वैकेंसी है राजगढ़ी से। अनाउंसमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप लोगों को ऊपर दिखाई देगा केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू, इसे आप डाउनलोड करेंगे, यहीं आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।